दोस्तों आपका स्वागत है फर्निशिंग ब्रो पे। आज हम आए हैं यूवी फोम इंडस्ट्रीज पे, जो कि राजकोट के नज़दीक है। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के फोम बनते हैं, यानी कि पीयू फोम हो गया, एचआर फोम है, मेमोरी फोम है, सॉफ्ट फोम है, जो कि फर्नीचर कुशनिंग के लिए यूज़ होते हैं, सोफा के अंदर यूज़ करते हैं, और तो और मैट्रेस के अंदर भी इस तरीके के फोम यूज़ होते हैं। यहाँ पे बॉक्स फोमिंग का प्लांट है। आमतौर पर दो तरीके के प्लांट होते हैं, कंटिन्यूस होता है, दूसरा होता है बॉक्स फोमिंग। तो आज हम पूरा फोम का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखने वाले हैं। हमारे साथ है फैक्ट्री के ओनर प्रीत भाई पटेल, और हमारे साथ है शिवम भाई, जो कि फोमर है। किस तरीके से फोम बनता है वो शिवम भाई ही हमको बना के दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का देखते हैं। फोम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शिवम भाई है वो फोमर है, फोम किस तरीके से बनता है वो सबसे पहले केमिकल्स कौन कौन से यूज होते हैं वो बताएंगे। शिवम भाई किस तरीके के केमिकल्स वगैरह इसके अंदर यूज होते हैं फोम बनाने के लिए? टैंक के अंदर पोलियल मिक्स है, पाउडर और पोलियल। अभी इसमें निकालेंगे पोलियल, पोलियल निकल रहा है अपना, बेसिक पोलियल हो गया। देखिए यहाँ पे बेसिक जो पोलियल है वो निकल रहा है, ये पूरा टैंक उसका ही उससे ही भरा हुआ है। मिल्क टाइप मटेरियल दिख रहा है पूरा, व्हाइट कलर का बेसिक मटेरियल हो गया। ये फोम बनाने के लिए बेसिक मटेरियल है। अब आगे क्या होगा इसका? अभी इसका लेके यहाँ टेयर करेंगे, कांटे पे टेयर करेंगे। ओके, इसके बाद इसमें कलर मिक्स करेंगे, मेजर करेंगे इसका वेट। इसको मेजर कर रहे हैं वेट, कितना कितना वेट इसका? मतलब अभी जो हम फोम बना रहे हैं वो एचआर फोम है, ये 45 केजी हो गया। अब इसको इसके अंदर आगे क्या ऐड करने वाले हैं? इसके आगे कलर डालेंगे। ओके, येसो डालेंगे। क्या डालेंगे? कलर, कलर और पिगमेंट डालेंगे, फिर येसो डालेंगे। एसओ, ओके। एसओ किस तरीके क्यों यूज होते करते हैं? येसो इसका राइजनिंग ब्लॉक उठाते हैं। ओके, राइजनिंग के लिए एसओ इसके अंदर डालते हैं। तो सबसे पहले अभी कलर वगैरह और अदर केमिकल्स कितने केमिकल्स इसके अंदर यूज होते हैं? 8 प्रकार के केमिकल्स यूज होते हैं। ओके, 8 टाइप्स ऑफ केमिकल्स इसके अंदर ऐड करते हैं फोम बनाने के लिए। अभी जो एचआर फोम बन रहा है मतलब हाई रेजिलियंस फोम है, थोड़ा बाउंस बैक वाला फोम होने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के कलर रखे हुए हैं, ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, अलग अलग कलर्स है। ये जो हम शिवम भाई फोम बनाने वाले वो कौन से कलर का फोम बनने वाला है? ये बनेगा ब्राउन में। ब्राउन कलर का फोम बनेगा। ये अपना कलर पिगमेंट है। ओके, ये ब्राउन मतलब हल्का बैगनी टाइप में मिलेगा, दो कलर मिक्स होके ये कलर बनेगा। ओके, मतलब ब्लैक टाइप का कलर है और ये कॉफी बेस कलर है, दोनों को मतलब मिक्स करेंगे। अभी ये कलर ऐड हो गया इसमें, अब ये ऐड करेंगे एसओ। एसओ, ओके, इसके अंदर कलर ऐड हो गया, अब एसओ ऐड करेंगे। एसओ होता क्या है? स्नेटिक ऑक्साइड होता है। सॉरी, स्नेटिक ऑक्साइड, ये ब्लॉक को राइजिंग करेगा। ओके, ब्लॉक को पकड़ के रखता है। ये अभी इसमें ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसको मिक्सिंग करेंगे। अभी और कोई केमिकल ऐड होगा इसके अंदर? क्या हो गया? ऐड नहीं होगा, ये हो गया। ओके, अभी इधर मैं कैटलिस्ट रेडी करूंगा। ओके, कैटलिस्ट यानी क्या होता है? कैटलिस्ट फोम को राइजिंग केमिकल, 8 प्रकार के केमिकल इसमें मिक्स होगा। ओके, इसके बाद वो ब्लॉक को राइजिंग करेगा पूरा। ओके, ब्लॉक को उठाने के लिए वही काम करता है। ओके, फोम का जो ब्लॉक होता है वो जो फूलता है वो फुलाने के लिए जो चाहिए ना उसको कैटलिस्ट कहते हैं। वैसे इसका जो प्रोसेस है वो ढोकला बनाते हैं ना खमण, वो इडली वगैरह, वैसे इस तरीके का ही है। उसके अंदर थोड़े अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। 8 प्रकार के केमिकल होते हैं, सभी के इसमें अपने अपने योगदान होते हैं। टोटल 8 टाइप्स के केमिकल्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कैटलिस्ट बना रहे हैं ऑलमोस्ट 7 टाइप्स के केमिकल्स इसके अंदर ऐड करेंगे। अभी वे पहले पानी ऐड करेंगे इसमें। ओके, अभी अमाइन ऐड करेंगे। अमाइन ब्लॉक के अंदर सेल्स बनाता है। ओके, ये सेल्स बनाता है, सेल्स भी बनाता है। आप ये भी ले लो, इसमें राइजिंग का भी काम करता है। ओके, Thank you.
रेडी हो गया। ओके अभी इसको मिक्स करना है। अभी ये मिक्स कर दो आप। देखिए ये कैटलिस्ट रेडी हो गया है। अब ये जो मटेरियल बना था इसके अंदर मिक्स करेंगे ये डाल के। अब इस टैंक के अंदर TDI रखा है। TDI है ना इसके अंदर। अब ये TDI ले रहे हैं। इसके अंदर सब कुछ नाप नाप के डालना पड़ता है। सभी इंग्रेडिएंट्स जो भी इसके अंदर केमिकल्स यूज़ होते हैं वो सर्टेन लेवल के इसके अंदर यूज़ करते हैं, तो वेट सबके नाप के ही आगे का प्रोसेस होता है। तो ये 13 किलो के आसपास ले रहे हैं ये वाला मटेरियल। वैसे लगता तो पानी जैसा ही है। तो मेजर जो केमिकल्स होते हैं फोम के अंदर वो TDI और पोलियोली होते हैं ना। ये मतलब इंडिया में मिलते हैं या बाहर से आते हैं सारे केमिकल्स? इंडिया में मिलते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि जो TDI वो पोलियोल है वो मतलब चाइना से भी आते हैं या फॉरेन कंट्री से भी आते हैं। ये अपना पोलियोल हो गया, TDI और कैटलिस्ट। ये मतलब तीनों जो मटेरियल हमने इससे पहले बनाए थे वो मटेरियल तीनों रेडी है। अब इसका आगे क्या करेंगे शिवम भाई? अब ये अपना बैच फॉर्म हो गया। ओके अंदर लेंगे ये एक एक केमिकल करके डालेंगे। ओके सब साथ में इसके अंदर डाल देंगे। सब साथ में डाल के मिक्सिंग करेंगे, इसके बाद राइजिंग चालू हो जाएगा इसका। ओके तो यहाँ पे जो ये वाला जो आप देख रहे हो इसके अंदर तीनों मटेरियल डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे देखिए ये पूरा बॉक्स बना हुआ है। देखिए यहाँ पे इसके अंदर ये सारे मटेरियल्स डालने वाले हैं, बाद में राइजिंग होगा, फोम बनेगा पूरा, मतलब फूलेगा फोम। तो अब देखते हैं किस तरीके से पूरा फोमिंग का प्रोसेस होता है। शिवम भाई अब आगे क्या करने वाले हैं? मशीन पे ऊपर सर्विस अपग्रेड करूंगा। ओके तो सबसे पहले पोलियोल डाल रहे हैं इस बड़े से बर्तन के अंदर जो हमने पहले बनाया था ये मटेरियल पोलियोल, और इसके अंदर कलर वगैरह ऐड किए हुए थे, ये ऐड कर रहे हैं और मिक्सिंग कर रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर जो अभी इंसर्ट कर रहे हैं वो है कैटलिस्ट, इसके अंदर डाल रहे हैं। वो धीरे धीरे इसके अंदर डालना पड़ता है देखिए, क्योंकि क्या होता है कि ये धीरे धीरे इसके अंदर ऐड करते हैं तो प्रॉपर तरीके से मिक्स होता है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में पूरा मिक्सर भी इसका चल रहा है। तो ये मिक्स करेंगे प्रॉपर इन दोनों मटेरियल को। देखिए अभी ये मिक्सिंग का प्रोसीजर चल रहा है। देखिए ये पूरा मतलब मिक्स हो रहा है। इसके बाद इसके अंदर अभी TDI ऐड कर रहे हैं। ये TDI ऐड हो गया है, ये फाइनल बन गया। इसको अब मिक्स करके छोड़ देते हैं इस तरीके से, तो फोम बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देखिए अभी ये धीरे धीरे राइजिंग होने लगेगा। अब बॉक्स का जो साइड का हिस्सा है उसको बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं ताकि प्रॉपर तरीके से राइज हो पाए फोम। थोड़ी देर में अभी ये फोम कंप्लीट हो जाएगा और धीरे धीरे देखिए ये राइज हो रहा है। ये डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली राइज होने लगे, ये धीरे 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 ये प्रोसेस चलता है। इसका रिएक्शन आता है जो भी केमिकल्स इसके अंदर ऐड किए थे। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे ये ऊपर आ रहा है पूरा फोम। और अभी जो इसके अंदर से गैस वगैरह रिलीज होते हैं उसको ऑफ गैसिंग कहते हैं। इसके अंदर से गैस वगैरह रिलीज होते हैं, तो देखिए इस तरीके से धीरे धीरे ये ऊपर आता है। अभी इसको ऑलमोस्ट 5 या 10 मिनट्स के अंदर इसको साइड के जो हिस्से थे बॉक्स के वो हम ओपन कर देंगे और इसको वो फोम को निकाल लेंगे, और बाद में इसको 24 आवर्स तक रहने देते हैं ऑफ गैसिंग के लिए। बाद में इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट करते हैं
अभी जो हमने बनाया है ये एचआर फोम है, इसके अंदर अलग अलग तरीके के फोम बनते हैं। प्रोसीजर इसका ऑलमोस्ट सेम रहता है, प्रोसीजर में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, ओनली चेंजेस आते हैं अलग फॉर्म। फॉर एग्जांपल मेमोरी बना रहे हैं तो इसके अंदर केमिकल्स में चेंजेस आते हैं, अदरवाइज बाकी कोई प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं है। दोस्तों ये फोम का ब्लॉक बन के रेडी हो गया है, अब इसको ओपन करेंगे चारों ओर से जो ये साइड पार्टिकल्स लगाए हुए हैं वो। दोस्तों ये पूरा ब्लॉक बन के रेडी हो गया है, देखिए इस तरीके का बना है। इसका जो आउटर फिनिशिंग होता है वो इस तरीके का होता है, इसको कटिंग मशीन के ऊपर ले जाएंगे और बाद में इसको फिनिशिंग देंगे। अलग अलग साइज में इसको कट भी कर सकते हैं, मगर ये फोम का ब्लॉक बन के रेडी हो गया है। ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था बॉक्स फोमिंग का। देखिए इस तरीके के कट्स वगैरह भी आते हैं, तो ये जब इसको मशीन के ऊपर ले जाएंगे तो इसको आउटर फिनिशिंग देंगे, तो फाइनल फोम तब आप इसको यूज़ कर पाओगे। ये पूरा ब्लॉक बन के रेडी हो गया है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस था बॉक्स फोमिंग का, इतना ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है। अब देखते हैं आगे इसके साथ क्या होता है। अभी अपने फोम रेडी हो गया है, ये भी 24 घंटे तक इसको ठंडा करते हैं, इसके बाद ये कटिंग होगा। ओके, मतलब ये फोम रेडी तो हो गया मगर 24 घंटे तक इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठंडा करते हैं, बाद में ही कट करते हैं, डायरेक्टली कट नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक दूसरा ब्लॉक ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, उसको यहाँ पे कट करके आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया है कि इस ब्लॉक को किस तरीके से कटिंग कर। दोस्तों ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ था, इसको लाए है वेयर हाउस से, अब यहाँ पे कट करेंगे। ये वाला जो मशीन है वो वर्टिकल फोम कटर मशीन है, वर्टिकल कट करता है, और यहाँ पे जो मशीन है ये है सर्क्यूलर फोम कटर मशीन। दोस्तों इस मशीन के ऊपर जो कट करते हैं वो इस तरीके से कट करते हैं, देखिए यहाँ पे साइज डिसाइड होती है, यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, देखिए ये पूरा स्केल है, कौन सी साइज का कट करना है उसके हिसाब से इस ब्लॉक को रखते हैं और यहाँ पे सेट करते हैं, उसके हिसाब से कट करते हैं ब्लॉक को। दोस्तों अब इस फोम ब्लॉक को सर्क्यूलर फोम कटिंग मशीन के ऊपर ले जा रहे हैं। इसको 1 इंच और 2 इंच में कट करने वाले हैं। ये सी डिग्री। देखिए यहाँ पे है ना पूरा स्केल होता है, देखिए ये ब्लेड है, ये कट करती है, देखिए यहाँ पे जो ये ब्लेड दिख रही है ना ये वाली, और यहाँ पे मेजरमेंट होता है उसके हिसाब से कितने थिकनेस का फोम को कट करना है, उसके हिसाब से इसको सेट करते हैं यहाँ पे।
10 mm की सीट कट रही है फोम की, देखिए 10 mm थिकनेस का है, सारा जो ब्लॉक है वो 10 mm थिकनेस में कट होगा। तो सर्कुलर होरिजोनटल फोम कटिंग मशीन के ऊपर देखिए ये फोम को अलग अलग थिकनेस में कट किया हुआ है, 10 mm थिकनेस के अंदर कट किया है, देखिए 1 inch थिकनेस के अंदर भी कट किया है, तो इस तरीके का देखिए पूरा कटिंग हो जाता है। ये वाला HR फोम था, यहाँ पे अलग अलग तरीके के दूसरे फोम भी बनते हैं, तो वो फोम हम देखने के लिए स्टोरेज रूम में जा रहे हैं, स्टोरेज एरिया में, और देखते हैं वहाँ पे किस तरीके के अलग अलग फोम बने हुए हैं। दोस्तों हम स्टोरेज एरिया में आए हैं, वहाँ पे फोम का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद यहाँ पे सभी ब्लॉक को लाते हैं। देखिए ये फर्स्ट है मेमोरी फोम, देखिए मेमोरी फोम का ब्लॉक पड़ा हुआ है, देखिए इस तरीके का होता है मेमोरी फोम, देखिए धीरे 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 रिस्पॉन्स करता है, ये पूरा ब्लॉक मेमोरी फोम का है, देखिए इसके अंदर पूरा धीरे धीरे सिंक ही होते जाते हैं। तो आमतौर पे इस तरीके का जो फोम है वो यूज़ होता है मैट्रेस के अंदर या तो फिर सोफे के अंदर, बहुत ही कम यूज़ होता है, मैट्रेस में ही ज़्यादा यूज़ होता है, लो रिस्पॉन्सिव फोम होता है, देखिए धीरे धीरे रिस्पॉन्स करता है। इसके अंदर कूल जेल वाला मेमोरी फोम भी यहाँ पे बनता है, देखिए ये कूल जेल मेमोरी फोम है यहाँ पे रखा हुआ है, बड़ा वाला ब्लॉक है। जिस तरीके के ऑर्डर्स आते हैं मार्केट में से, उस तरीके से इसको कट करते हैं, जो हमने पहले मशीन देखा था उसके ऊपर, तो एज पर नीड इसको कट करते हैं, कट करके रखते नहीं हैं, जैसे ही ज़रूरत पड़े इस ब्लॉक को वहाँ पे ले जाके कट कर देते हैं। अब देखते हैं PU फोम, HR फोम, अलग तरीके के जो फोम के ब्लॉक्स हैं वो देखते हैं। प्रीत जी ये वाला कौन सा फोम है यहाँ पे जो रखा है वो? बेसिकली हमारी फैक्ट्री में हमने कलर कोड के हिसाब से डेंसिटी डिफाइन कर रखी है। ओके। तो आपके सामने ग्रीन कलर का फोम है। ओके। 40 डेंसिटी वाला प्रीमियम फोम है ये वाला, 40 डेंसिटी प्रीमियम फोम है, यानी कि PU फोम है या HR फोम है? ये PU फोम है 40 डेंसिटी वाला, आपके सामने पूरा ब्लॉक है, फिर हम इसकी साइड से कटिंग करते हैं और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मशीन में, बाद में पूरा ब्लॉक रेडी होता है। ओके आ जाइए, ये वाला कौन सा फोम है? ये वाला सागर भाई 40 डेंसिटी का HR फोम है, ब्राउन कलर का फोम है, 40 डेंसिटी का HR जो हमने बनाया था वही है ना? अभी जस्ट हमने जो बनाया है फोम 40 डेंसिटी का HR, ये वाला फोम है। ओके बाद में आ गया जी, ये पिंक कलर का 32 डेंसिटी में प्रीमियम फोम है, 32 डेंसिटी का पिंक कलर में प्रीमियम फोम है। बाकी भी हमारे पास कई सारी क्वालिटी के फोम है, जैसे कि आप ये ब्लू देख सकते हो, ये येलो देख सकते हो, वो ऑरेंज कलर भी है, वो डेंसिटी के हिसाब से हमने कलर कोड में डिवाइड कर रखे हैं। ओके मतलब अलग अलग तरीके के फोम यहाँ पे फुल ब्लॉक में रखे हुए हैं, जैसे ही जरूरत पड़ती है कौन सी डेंसिटी का या तो फिर कौन से फील का, उसके हिसाब से आप कट करके मार्केट के अंदर भेज देते हो। जैसे ऑर्डर आते हैं मार्केट में से, डेंसिटी के हिसाब से ऑर्डर आते हैं, mm थिकनेस में ऑर्डर आते हैं, तो पार्टी के ऑर्डर के हिसाब से हम उसको काट करके और डेंसिटी के हिसाब से हम सप्लाई करते हैं। ओके तो अब आगे सप्लाई करने के लिए इसको कट करने के बाद पैकेजिंग डिपार्टमेंट आएगा, वहाँ पे पैकेजिंग होगा, पैकेजिंग डिपार्टमेंट पूरा अलग है पीछे। ओके चलिए वहाँ पे चलते हैं। और हम ये सॉफ्टी का भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो बेसिकली मैट्रेस के ऊपर 2 inch 1 inch की सॉफ्टी लगती है, ये पूरा ब्लॉक है सॉफ्टी का, मतलब सॉफ्ट फोम, सॉफ्ट फोम है पूरा, देख सकते हो आप, ये ब्लैक कलर में रहता है, 32 डेंसिटी का सॉफ्टी फोम रहता है, वेरी सॉफ्ट फोम रहता है ये वाला। और हमारे पास पैकेजिंग के रिलेटेड भी फोम है, वैसे देखे तो ये वाले बड़े बड़े केक रखे हैं ना, ऐसा लग रहा है ये वाला स्ट्रॉबेरी केक है पिंक कलर का, ये वाला चॉकलेट है ब्लैक फॉरेस्ट। हमारे पास एलडी फोम भी हम खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, जो आपने देखा होगा पैकेजिंग में मोस्ट ऑफ यूज़ होता है, हम नए कपड़े या साड़ी लेने जाते हैं तो इसका एक 5 mm 6 mm का एक लेयर रहता है अंदर, और पैकेजिंग के पर्पज़ के लिए ये फोम यूज़ होता है, एलडी फोम भी हम खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं इधर। तो हमारे पास बेसिकली 12 और 15 जात की फोम की वैरायटीज़ है,
अलग अलग डेंसिटी में अलग अलग कलर कोड में, खुद हम प्रॉपर खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यहाँ पे। तो मतलब अलग अलग टाइप्स के एलडी फोम हो गया, आमतौर पे जो पैकेजिंग के लिए यूज होता है ये फोम पैकेजिंग में ज्यादा यूज होता है एलडी फोम, और मेरे ख्याल से जो मैट्रेस का क्विल्ट बनता है उसके अंदर भी ये वाला ही फोम यूज होता है, लो डेंसिटी फोम। तो ओपन सेल होता है, क्विल्ट के अंदर भी यूज होता है इस तरीके का फोम। तो ऑलमोस्ट सारे फोम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ फोम। अब पैकेजिंग डिपार्टमेंट में चलते हैं, किस तरीके से इसका पैकेजिंग होता है, और आप यहाँ पे मैट्रेस का मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो? जी हाँ सर, मैट्रेस का भी हमारा होलसेल का मैन्युफैक्चरिंग है, हम काफ़ी सारी सिटी में सप्लाई करते हैं शोरूम वाले को, और रिटेल भी हम मैट्रेस इधर से ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री टू कस्टमर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मैट्रेस का भी हमारा बहुत बड़ा काम काज है इधर। ओके, वो भी आगे देखते हैं, पहले पैकेजिंग डिपार्टमेंट में चलते हैं, किस तरीके से फोम को पैकेजिंग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए पैकेजिंग कर रहे हैं, ये एक प्लास्टिक का बैग है, इसके अंदर फोम डालते हैं, और इस तरीके का मटेरियल होता है, इसके अंदर भी पैक करते हैं, और ये रेडी हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट में भेजने के लिए। देखिए यहाँ पे पूरा स्टॉक रेडी रखा है, ये रेडी है। प्रीत जी, आप किस तरीके के कौन कौन से टाइप्स के यहाँ पे फोम बनाते हो? हमारे पास फैक्ट्री में आप देख सकते हो HR फोम है ये, फिर आता है प्रीमियम PU फोम बनाते हैं हम, FF फोम बनाते हैं, मेमोरी फोम बनाते हैं, सॉफ्टी फोम बनाते हैं, और पैकेजिंग के लिए हम LD फोम भी बनाते हैं। अलग अलग डेंसिटी में हम फोम बनाते हैं, और कोई भी कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि हमको डिफरेंट डेंसिटी में फोम चाहिए, तो वो भी हम फोमिंग करके बना देते हैं स्पेशल भी। ओके, और आप कहाँ पे सप्लाई करते हो, कहाँ पे? ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर गुजरात में, और आउट ऑफ कंट्री भी हमारा जो फॉर्म है सप्लाई होता है हमारा। प्रीत जी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, अगर आपको डायरेक्टली प्रीत जी से बात करनी है जो कि इस कंपनी के ओनर है, तो आप डायरेक्टली भी उसके साथ बात करके अपने लिए फॉर्म मंगवा सकते हो। अगर आप फॉर्म के बिजनेस में हो, मैट्रेस के बिजनेस में हो, या तो फिर फर्नीचर कुशनिंग के अंदर जो फॉर्म यूज होते हैं उसका आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप प्रीत जी से बात करके डायरेक्टली भी यहां से मंगवा सकते हो फॉर्म। प्रीत जी, आप कौन कौन से टाइप्स के मैट्रेस यहां पे बनाते हो? स्पेशली बेसिकली हमारे पास हमारी दो ब्रांड है, युवा और नाइट लाइफ, और रजिस्टर हमारी पेटेंट हुई ब्रांड है, वो हमारी स्पेशल ब्रांड है। हमारे पास 60 रुपीज़ स्क्वायर फुट से लेके 750 स्क्वायर फुट तक के मैट्रेस है, हम इन गुजरात, इन इंडिया और आउट ऑफ कंट्री भी हम सेलिंग करते हैं मैट्रेस का। और हमारे पास देखिए, आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ भी है, कलर कोड भी हमारे पास डिफरेंट, कापड़ के, कॉटन के, और 4 इंच से लेके 10 इंच तक, 2 इंच तक, 3 इंच तक सारे मैटर्स कम सेलिंग करते हैं इधर ही। ओके, तो अगर किसी को एक पीस मंगवाना है, फॉर एग्जांपल गुजरात में है तो फिर ठीक है, अगर आउट ऑफ गुजरात है और एक पीस मैट्रेस मंगवाना है तो क्या आप भेजते हो वहाँ पे? जी सर, आपको एक पीस मंगवाना हो, दो पीस मंगवाना हो, या 10 पीस मंगवाना हो, हम अवेलेबल है, हम आपको जहाँ भी मैट्रेस पहुँचाना है हम एक पीस भी पहुँचा सकते हैं। ओके, तो मतलब ऑल इंडिया डिलीवरी रहती है, एक अगर आपको अपने घर के लिए सिंगल मैट्रेस भी यहाँ से डायरेक्टली मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हो। प्रीत जी का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली आप कंपनी ओनर से ही बात कर सकते हो। दोस्तों यूवी फोम इंडस्ट्रीज़ का पूरा स्टाफ हमारे साथ यहाँ पर है, थैंक्स टू ऑल पीपल, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही हम पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख पाए, इन लोगों ने हमको पूरा सपोर्ट किया है, तो थैंक्स टू ऑल पीपल। और दोस्तों अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।